नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है अगले 29 दिसंबर के बाद जो केबल टीवी है या फिर डीटीएच टीवी है उन पे बड़ी बदलाव आने वाला है? क्या आपने इसके बारे में पता किया है या फिर आपको मालूम चला है न्यूज़ के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से? जी हाँ दोस्तों, यहीं पे बड़ी बदलाव आने वाला है टीवी के ऊपर। तो अगर आपको नहीं पता है क्या बदलाव आने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, नया चीज़ क्या क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है या फिर आपके लिए लॉस होने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और यहीं पे मैं पूरा एक सीरीज चालू करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्या क्या टीवी में आपको आने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से कंपनी का केबल टीवी यूज़ करते, उन पे आपको क्या क्या पैकेज रहने वाला है, क्या क्या प्राइस होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या क्या बदलाव होने वाला है आप जिस कंपनी का केबल टीवी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे मैं थोड़ा ब्रीफ समरी आपको बता देता हूँ। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने यहीं पे कुछ अपना ऑर्डर जारी कर दिया, जहाँ पे ट्राई ने बताया है कि अगर कोई कस्टमर टीवी देखना चाहता है उसको आप फोर्स नहीं कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए मैं एक बंगाली हूँ, मुझे बंगला चैनल या फिर थोड़ा हिंदी चैनल या फिर थोड़ा इंग्लिश चैनल होगा तो मेरा टीवी देखना आसान होता है। लेकिन वही पे मुझे दिखाया जाता है कोई तमिल चैनल या फिर तेलुगु चैनल या फिर असामीज या फिर कुछ अलग लैंग्वेज का चैनल मुझे दिखाया जाता है केबल टीवी के तरफ से या फिर डीटीएच ऑपरेटर की तरफ से, तो वो चैनल अनवांटेड चैनल है जो मैं कभी नहीं देखता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे से पैसा लिया जाता है। तो वो चीज़ ट्राई ने बंद कर दिया है और ट्राई ने यहीं पे बताया है कि हर एक चैनल का एक प्राइस होने वाला है। वहीं पे 50 पैसा से शुरू होगा प्राइस और अप टू 20 रुपीज़ तक ये प्राइस चलने वाला है। तो अगर आप केबल टीवी या फिर डीटीएच आप यूज़ करते हैं तो अगले 29 दिसंबर के बाद आपको हर एक चैनल का प्राइस देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो जो चैनल देखना चाहते हैं उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा और आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपका लोकल ऑपरेटर से या फिर आपका जो केबल कंपनी है उनसे, और आपको बताना पड़ेगा आप ये चैनल देखना चाहते हैं, नाम बता दीजिए, उनका जो टोटल कैलकुलेशन है आपसे लिया जाएगा। इसके वजह से क्या होने वाला है कि जो अनवांटेड चैनल का प्राइस आपसे लिया जाता है वो ख़त्म होने वाला है। यहीं पे आपका जो मंथली स्पेंट होता था केबल टीवी के ऊपर या फिर डीटीएच के ऊपर वो भी कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है वो मैं अगले वीडियो में डिटेल्स कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। लेकिन बस ये जान लीजिए कि केबल टीवी के ऊपर बड़ी बदलाव आने वाला है और ये बदलाव को स्वागत करते हैं हम लोग। देखते हैं कि नया क्या चीज़ हम लोगों को मिलती है, क्या सच में इसमें कस्टमर का फायदा होता है या नहीं होता है, सब कुछ आपको डिटेल सीरीज बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज आने वाला है ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon and never miss another update.